पापा, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? आनंद से शादी करने की बात। आप कल से इस बात के पीछे पड़े हुए हैं। अचानक से आप पता नहीं क्यों शादी का प्रेशर डाल रहे हैं मुझ पर। कोई ना कोई बात तो जरूर है पापा, जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना पापा। लेती बेटा, इसमें क्यों वाली क्या बात है? हर माँ बाप ऐसे ही तो होते हैं। नहीं मम्मी, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। पापा, आज से पहले आपने हमेशा मुझे मेरे काम पर फोकस करने के लिए कहा है, लेकिन कल से पापा, बताइए ना, ऐसा क्या हो गया कि आप मेरी शादी की जिद पकड़ कर बैठ गए? प्लीज मुझे बताइए पापा। हे दुर्गा मैया, जिसका डर था वही ना हो जाए। आप मेरी शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है मेरी शादी करवाने की, बताइए ना पापा। पापा नहीं, ठीक, पापा आंखें खोलिए, पानी में पानी, पापा। हेलो आनंद, जल्दी घर आओ, पापा बेहोश हो गए हैं। पापा, किसका इंतजार कर रहे थे? नियति घमा। मुन्ना, नियति का दर्द छोड़ दे बेटा, वरना तुझे ही दर्द होगा। मेरा दर्द कम करने के लिए आप है ना मां? और पता नहीं मेरी बीमारी को ठीक करने वाली अभी तक नहीं आई, कहां रह गई पता नहीं। शायद उसके माता पिता नहीं माने होंगे। वो आएगी मां, मना लेगी अपने मम्मी पापा को। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अभिमन्यु के लिए ना आए, पर अपने पेशेंट के लिए वो जरूर आएगी। बदला है थोड़ा सा। आंटी, पापा को क्या हो गया था? इनका बीपी इतना क्यों बढ़ गया था? बेटा, ऐसा बीपी फ्लक्चुएट तो स्ट्रेस की वजह से होता है अक्सर, शायद इसीलिए फेंट हो गए थे भाई साहब। स्ट्रेस? मैं हेल्प करती हूँ। वैसे और कोई तकलीफ लग नहीं रही है भाई साहब? आपको किस बात का स्ट्रेस है? नियति? अरे नियति तो स्ट्रेस बस्टर है। पापा, आज आप बिना बात हाइपर हो गए। आप प्रॉमिस कीजिए मेरी टेंशन छोड़ देंगे। ठीक है, तू मेरी बात मान ले, मैं भी तेरी बात मान लूंगा। तेरी आनंद से शादी होते ही मेरी सारी टेंशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी बेटा। पापा, शादी को लेकर फिर से? नहीं थी,
मैं तेरा बाप हूँ बेटे, तेरा भला सोचकर किसी अच्छे से लड़के से तेरी शादी कर देना चाहता हूँ बेटे। और आनंद कोई अनजान नहीं है बेटे, अपना ही है, तेरा बचपन का दोस्त है। मेरी ये वाली बात मान ले। आनंद से शादी के लिए हाँ कहते आप भाई साहब, अगर नियति को थोड़ा और समय चाहिए तो। समय तो नहीं है मेरे पास, अगर अगले 7 दिनों में मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं नियति को सारा सच बता दूंगा। ऐसी क्या बात होगी जो ये ऐसे नियति पे शादी का इस तरह दबाव डाल रहे हैं? अब तो 24 की हो गई है बेटा, आनंद कब तक तेरा इंतजार करेगा? तेरी हाँ का बेटा, तो जिसे अपने पापा की जिद समझ रही है वो एक माँ बाप की चिंता है अपनी बेटी के लिए। बेटा तू हाँ कर दे, तेरे माँ बाप तेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। चल चल चल। अरे रुको मामा। तीन मुन्ना, तीन तीन दो दो, दो। चल चल ला मेरी चल। कितना लाऊं? छह। दिल संभाले संभल नहीं रहा, दिल पर नजरें टिका है टिक नहीं रही। क्यों भाग? अच्छा अच्छा मुझसे मुझे मुझसे मामा का टप। हेलो एवरीवन, डॉक्टर आ गए। हाँ, हाउ आर यू फीलिंग? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। और अब तो मैं सुपर फिट हूं। मैं जानता था कि तुम अपने पेरेंट्स को मना लोगी मेरे लिए। देखा मां, मैंने कहा था ना, नियति बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। और आज का दिन भी बेस्ट है। हमारी फैमिली ने नियति और मेरा रिश्ता तय कर दिया। और नियति ने भी शादी के लिए हां कर दी। हमारी शादी होने वाली है। अरे आप सब बधाई नहीं देंगे? डॉक्टर आनंद, बधाई हो आपको और नियति तुम्हें भी। दीदी आप भी डॉक्टर आनंद और नियति को बधाई दे दीजिए। मुबारक हो। थैंक यू मनोरमा जी। अभिमन्यु, हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? लो मिठाई खाओ शादी के बधाई की। तुम सच में लकी हो यार, तुम्हारे आते ही नियति ने शादी के लिए हाँ कर दी। थैंक यू सो मच। लीजिए सर, मिठाई खाइए। थैंक यू दिनकर जी। अरे उधर क्या दे रहे हैं, प्लीज मिठाई खाइए, खुशी का दिन है।
थैंक यू मनोरमा जी। आनंद को ऐसे अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी खुशी के बीच। चलिए सर अभी मनु का चेकअप करके उसका इलाज शुरू करते हैं। ओके लेट्स गो। उसने जो ये गहरा रिश्ता नियति के लिए अपने मन में बना रखा है वो और आनंद और नियति की शादी की खबर सुनकर पता नहीं उसके मन पर क्या असर होगा। तुम्हारे जीजाजी का हेलो कहां पर हैं? मनोरमा जी मैं लखनऊ एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूं। अगले 3 घंटे में मैं आपके और अभिमन्यु के साथ आऊंगा। आप किसी बात की फिक्र ना करें जी। वो तो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। मुझे पता ही था जीजा जी मेरे भांजी की खुशी के लिए अपना हर जरूरी काम छोड़कर तुरंत चले आएंगे।
और देखो आ ही रहे हैं। पता नहीं मुन्ना के पापा को नियति का सच पता चल गया तो वो क्या करेंगे। नियति, ये दवा आधी ही देनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। वंस इन अ डे। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर जोशी करेंगे। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है, डोंट वरी। चलिए सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। प्लीज आइए। भांजे, भांजे, ओ भांजे, कुछ ही घंटे में जीजा जी मुंबई पहुंच रहे हैं। आखिर उन्हें टाइम मिल गया मेरे पास आने का। भांजे, वो खास सिर्फ तेरे लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ तेरे लिए। क्यों, किसने बुलाया उन्हें? और तू बेटा है उनका। मामा प्लीज, मैं इससे पापा के बारे में बात मत करना, बिल्कुल नहीं। आराम कर। So my work here is done. Let us leave. 4:30 हो गए। मेरी ड्यूटी खत्म होने में अभी आधा घंटा और है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं मेडिसिन दे देती हूँ। अगर तुम्हें अपने पापा से कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लो, या आंटी से। मुझसे प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती थी ना नियति, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही, शादी कर। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें सब मालूम है नियति, कल तक तो तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं थी और आज अचानक से तुम शादी कर रही हो अपनी मर्जी से। मैं मान ही नहीं सकता हूं, ये सब तुम अपने परिवार के दबाव में आकर कर रही हो ना। जानन ने तुम्हारे पर प्रेशर बनाया, उसने धमकी दी तुम्हें, अगर दिए तो मुझे बताओ, मैं उसको जाकर के भी। अभिमन्यु, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूं। मर्जी से कर रही हूं तो ये बोलते हुए तुम खुश तो नहीं हो? मैं खुश हूं। लगता है तुम्हारे चेहरे को पता ही नहीं है कि खुशी क्या होती है ना? प्लीज अभिमन्यु, सब तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। और ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मेरी फैमिली और अपनों को बोलने का हक है। तुम दोनों ही नहीं हो तो बेहतर ये है कि तुम मेरी लाइफ में कम और अपने इलाज पर ज्यादा ध्यान दो। और सच तो यही है कि मेरी और आनंद की शादी होने वाली है, और तुम ऐसे मत बात किया करो कि तुम मेरी पसंद और नापसंद को जानते हो। आनंद मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है, मेरे बचपन का दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, डॉक्टर है, वेल सेटल्ड है। और मुझे मेरे पापा के फैसले पर पूरा भरोसा है।
दीदी ने तो खुद ही मुझे अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। आनंद से शादी तुम अपनी मर्जी से नहीं, अपने परिवार वालों की मर्जी की वजह से कर रही हो। इसका मतलब साफ है कि तुम आनंद से प्यार नहीं करती। मेरे प्यार को कब समझोगी नियति? ये सब क्या कह रहे हो अभिमन्यु? क्या गलत बोल रहा हूं मैं नियति? तुम आनंद से शादी करने वाली हो लेकिन उससे प्यार नहीं करती, ये सच है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये भी सच है। बस अभिमन्यु बहुत हो गया। मैं किससे और क्यों शादी कर रही हूं ये मेरा फैसला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम मेरे लिए बस एक पेशेंट हो। हमारे बीच इसके अलावा ना कोई रिश्ता है और ना कोई होगा।